सो हम लोग आते हुए एक सामने ही एक नज़ारा बहुत अच्छा लगा, तो उतार के देखा तो वहाँ पे एक वाटरफॉल था। ये वाटरफॉल भी काफ़ी गहराई है नीचे तक, और पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, उधर रोड से समझ में नहीं आ रहा है किधर से आ रहा है पानी, बहुत गहराई है नीचे। और सामने देखिए उधर भी एक वाटरफॉल है, इधर वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर पहले ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था फॉग की वजह से। और हम लोग यही रास्ते पे जाएंगे, देखिए कितना नीचे है, यहाँ से कितना गहराई है, कसम से ये इतना गहराई है ना, हम लोग काफ़ी ऊपर हूँ, लेकिन ये जो पानी आ रहा है ना इससे भी हम लोग ऊपर हूँ, कहाँ से आ रहा है पानी पता नहीं। ये वाटरफॉल देख रहे हैं ना गाइस, ये कितना गहराई है नीचे, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसका नीचे जाऊंगा हम लोग, देखिए रास्ता कैसा है, ये बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा ऐसा करके। देखो गाइस कहाँ तक कैसे जाना है, ये है रोड, ये नीचे एक भाई पहुँच गया और मैं भी इधर से जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, बहुत डेंजर है रास्ता, बहुत डेंजर है। और देखो नीचे पूरा खाई है, कोई आता भी नहीं होगा इधर इतना लोग। वाओ कितना खाई है, सच में बहुत नीचे जाना पड़ेगा ये। अब देख पा रहे होंगे मैं कितना नीचे आ चुका हूँ, कितना ऊपर। ओह माय गॉड, शिलोंग, यही है शिलोंग। वाटरफॉल का मज़ा लेना है तो आप शिलोंग ज़रूर आइए। और इससे पहले हम लोग गए थे कहाँ, तवांग, वहाँ भी बहुत अच्छा है और चारों तरफ बम्बू का पेड़ है। देखिए बहुत डेंजर है, लेकिन रास्ता बहुत डेंजर बना हुआ है, यहाँ से काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। अभी उतारने का टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जब ऊपर चढ़ते हुए आऊँगा ना, सच में गाइस क्या हालत होगा पता नहीं, कैसे ऊपर आऊँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच में बहुत डेंजर है। ये देखिए ये गुफा जैसा है पूरा, ये हे रास्ता खत्म हो गया, इधर से नहीं देख सकते, ये गुफा आने का रास्ता। देखिए गाइस हम लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ से हम लोग पैदल चलते हुए आए नीचे आ गए। हम लोग सोचा वाटरफॉल दिख जाएगा, लेकिन यहाँ से रास्ता खत्म हो गया, शायद नीचे और दूसरा रास्ता बनाएगा। ये देखिए ऐसा हर चीज चढ़ते हुए जाऊंगा, अभी वापस जाना पड़ेगा। हम लोग सोचा था वाटरफॉल देखने के लिए रास्ता है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता खत्म हो गया, फिर अभी वापस चढ़ते हुए जाना पड़ेगा हमें, कितना डेंजर रास्ता है। देखो अभी घूम 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 के ही जाना पड़ेगा, रास्ता ही खत्म हो गया। सच बताओ बहुत थक गया, ये देखो मेरा भाई लोग नीचे ही है, वो लोग भी थक चुका है, काफी गहराई था, अभी भी बहुत चढ़ने का बाकी है, ऐसे ही है रोड। ये देखो घूमते घूमते अभी ऊपर आ चुका हूँ, काफी ऊपर आ चुका और काफी दूर जाना भी है। यही है वो वाटरफॉल, थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको दिखा था, बहुत क्लियर आ रहा था, फॉग की वजह से अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ऊपर भी कब फॉग आता है, मौसम कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, सच में यही है शिलोंग। सो फाइनली गुफा से निकल के आ चुका हूँ, बहुत थक गया गाइस, बहुत थक गया। ये तीनों देखिए, अभी पानी वगैरह ले लिया ऊपर आके, इधर से भी झरना देख सकते हैं, वहाँ पे बोला है, अभी देखता हूँ इधर से कैसा व्यू आता है। थोड़ी देर पहले मैंने नीचे जाके आया था ना झरना दिखाने के लिए, उसका ऊपर का हिस्सा है, ये देखिए यही है, ये झरना से नीचे गिरता है, कितना अच्छा दिख रहा था है ना। और यही झरना से इधर से दिखाता हूँ, इधर कुछ भी नहीं है, देखो झरना का पानी बस इतना ही है, यही पानी इकट्ठा होके उधर से थोड़ा थोड़ा नाला जैसा पानी आ रहा है, उस वही पानी इकट्ठा होके यहाँ से पूरा पहाड़ है ना
पहाड़ का ऊपर से गिर रहा है, नीचे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ऊपर पानी ही नहीं है भाई। यही है वो व्यू पॉइंट, थोड़ी देर पहले तो पूरा दिख रहा था यहाँ पे, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा व्यू पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है, लेकिन फॉग के वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें पता नहीं था, पहली बार एक्सपीरियंस है ना, तो कुछ पता नहीं चला इस टाइम में जाना है अच्छा है कि नहीं। तो अभी आया, लेकिन अच्छा ही लगा, बट बहुत चीज़ हम लोग देखने को नहीं मिला हमें। देख फॉग कैसा आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।